अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह कंडक्शन इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स वन की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज में देखें, आज का जो हमारे पास है वो वीडियो नंबर वन का बी पार्ट है, कंडक्शन इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। आने वाली वीडियोज़ में हम इंशाअल्लाह रहमान इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये देखते जाएँ। अच्छा सॉरी, ये फोर है, ये फाइव है। ओके, ये आने वाले वीडियोज में हम इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो देखें, जो मेरे पास कंडक्शन इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है, जो हमारे पास सिलिकॉन जर्मेनियम, तो ये दोनों हमारे पास क्या है, सेमी कंडक्टर है। लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंस देख लिया था कंडक्टर इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है, ये हमने लास्ट में देखा था। तो मेरे पास दोनों सेमी कंडक्टर हैं। तो जो हमारे पास है सिलिकॉन को हम यूज़ करते हैं डायोड्स में, ट्रांजिस्टर में, इसी तरह हम इसको इंटीग्रेटेड सर्किट्स में भी यूज़ करते हैं और अदर हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में भी सिलिकॉन को यूज़ करते हैं। इसलिए जो मेरे पास जर्मेनियम है इसके भी यूज़ हैं। अब यहाँ बात याद रखिएगा कि जो मेरे पास सिलिकॉन है और जो मेरे पास जर्मेनियम है, इन दोनों के जो लास्ट वाला वैलेंस शेल है जिसको हम ऑर्बिट का नाम देते हैं, इन दोनों में चार चार इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें भी चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी क्या है, चार इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, यानी कि अगर मैं सिलिकॉन का बताऊं कि सिलिकॉन में हमारे पास तीन शेल होते हैं। ओके, इस दो इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले शेल में और आठ इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, सेकंड शेल में, और जो मेरे पास चार इलेक्ट्रॉन्स किसमें होते हैं, आउटर शेल में, जो मेरे पास थर्ड शेल होता है। ये सिलिकॉन था का। अगर मैं जर्मेनियम की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, हमारे पास इसकी चार हमारे पास शेल्स हैं। इसमें दो होते हैं, इसमें हम जानते हैं कितने होते हैं, आठ होते हैं, और जो मेरे पास बाहर वाला होता है इसमें, और इसमें अठारह होते हैं। ओके, और जो बाहर वाला है इसमें चार हैं। ओके, ये मेरे पास सिलिकॉन का, ये मेरे पास जर्मेनियम का हो गया। तो मतलब क्या क्या हो गया, इन इसके भी आउटर शेल में चार इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आउटर शेल में चार इलेक्ट्रॉन हैं। तो दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा ये हम जो फ्लूइड की बुक है ना, इसके नाइन एडिशन को हम फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो अब जो मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जर्मेनियम में, वो फोर्थ शेल में हो गए और सिलिकॉन में थर्ड शेल में हो गए। अब इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स डैट द जर्मेनियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर एट हायर एनर्जी लेवल्स देन द सिलिकॉन। यानी कि जब हमारे पास जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर शेल में, उनकी एनर्जी ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, ये न्यूक्लियस है। अच्छा ये तो बताना भूल गया, जर्मेनियम में हमारे पास कितने होते हैं, न्यूक्लियस में कितने होते हैं, प्रोटॉन 32 होते हैं। यानी कि इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए उसको हम इग्नोर कर देते हैं। यानी कि एक तरह का इग्नोर, तो इसमें क्या है, 32 चार्जेस होते हैं, जिस पॉजिटिव चार्ज जिसको हम प्रोटॉन्स का नाम देते हैं, और इसमें हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं और 14 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए उसको हम निर्धारित कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज जाएंगे प्रोटॉन्स आके हैं। सिलिकॉन जर्मेनियम, अब यहाँ बताया गया है कि जो मेरे पास जर्मेनियम है, इसके जो हमारे पास आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी एनर्जी ज़्यादा है। तो इसका बेसिक मतलब यही हुआ कि जैसे जैसे हम शेल इस न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, तो एनर्जी शेल में मौजूद और ऑर्बिट में मौजूद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी। तो यही इसमें बताया गया है। तो यही वजह है कि जो हमारे पास दो जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, ये जर्मेनियम को मोर अनस्टेबल बना देती है। क्या, मोर अनस्टेबल, इसको वो क्यों, क्योंकि अब ये देखे ना, इस न्यूक्लियस का इन जो मेरे पास ये आउटर में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इन पर असर बहुत कम है, तो इसलिए ये अनस्टेबल है। इसमें क्या है, इसमें फोर इलेक्ट्रॉन्स है, ये चूंकि फोर्थ शेल में है या थर्ड शेल में है। अब न्यूक्लियस की इस पर चेहरे पर फोर्स है सही, लेकिन इसकी निस्बत ज़्यादा है, इसलिए जब जर्मेनियम में ये अनस्टेबल होता है। और यही मेन वजह है कि सिलिकॉन को हम अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ज़्यादा यूज़ करते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में सिलिकॉन को ज़्यादा यूज़ करती हैं। क्यों क्यों यूज़ करती हैं, इसलिए यूज़ करती हैं क्योंकि सिलिकॉन में जो न्यूक्लियस है उसकी जो फोर्स है थर्ड शेल के फोर इलेक्ट्रॉन्स पर, वो ज़्यादा है बनिस्बत इसके
कि जो जर्मेनियम है उसके फोर्थ शेल में जो फोर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी यहाँ फोर्स कम है इन पर और यहाँ क्या है ज़्यादा है। ओके तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। अच्छा अब ये इसमें ये देख लें कि अगर हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना है, यानी कि चूँकि अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करना है ना कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, तो उसको समझने से पहले पहला जो स्टेप है उस वीडियो का वो ये है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की दो टाइप्स होती है, एक होती है इंट्रिंसिक और सेकेंड होती है एक्सट्रिंसिक। तो हम सिर्फ इंट्रिंसिक की बात करने लगे हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि सिर्फ एक ही टाइप के एक ही किस्म के एटम्स होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये सिलिकॉन है, यहाँ भी सिलिकॉन है, यहाँ भी सिलिकॉन है, यहाँ भी सिलिकॉन है, यहाँ भी सिलिकॉन है, इसके भी चार इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर वाले, इसके भी बाहर चार है, इसके भी चार है। तो अब क्या होंगे ये इसका जो इसका क्या करें, ये आपस में क्या बना लेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। इसका इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन क्या बना लेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ओके तो ये मेरे पास क्या है, कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, या फिर इसको हम इस तरह डिनोट कर सकते हैं। मेरे पास सिलिकॉन है तो इसको हम इस तरह भी कह सकते, ये इधर भी सिलिकॉन है, इधर भी सिलिकॉन है, इधर भी सिलिकॉन है, इधर भी सिलिकॉन, ये मेरे पास क्या है कोवलेंट बॉन्ड है। मेरे पास डन हो गया। तो यही इतना सा हमारा टॉपिक था। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि वाई वी यूज सिलिकॉन मोस्टली इन डिवाइसेस, तो उसका आंसर मैंने पहले दे चुका हूँ। या फिर हम इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो जो जर्मेनियम का एनर्जी गैप है, एनर्जी बैंड गैप है, वो कितना है, 0.72 है। ओके और जो मेरे पास सिलिकॉन का है वो हमारे पास क्या है, 1.10। ये इसका एनर्जी बैंड गैप है सिलिकॉन का, और ये मेरे पास किसका है, जर्मेनियम का है। ओके यही वजह है कि जो जर्मेनियम है वो लेस, हमारे पास हायर कंडक्टिविटी, यानी कि जो जर्मेनियम है उसके जो मेरे पास ये इनकी जो मेरे पास होती है पावर स्ट्रेंथ एनर्जी ज़्यादा होती है। और इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी में बैलेंस और कंडक्शन दोनों, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों के दरमियान जो गैप होता है उसकी एनर्जी कम होती है, आप ये कह सकते हैं। ओके तो सिंपल आंसर मैं पहले बता चुका हूँ। तो अगर आप फिर भी इसको दूसरी टर्म में बताना चाहते हो तो आप ये हम इधर ये कह सकते हैं कि इन दी फॉर्म ऑफ जर्मेनियम जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू है वो लोअर है, किससे, सिलिकॉन से। वो ये देख लीजिए, इसके 1.12 है, इसलिए ये है। तो यही आज का हमारा थोड़ा सा।